नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में बढ़ता कोरोना का कहर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने जताई चिंता। खादेगांव में बढ़ती गुंडागर्दी, बदमाशों ने पूर्व सरपंच के घर में घुसकर की मारपीट। रतलाम में इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, विवाद में एक युवक की मौत। इंदौर में उज्जैन में एनसीसी बी सर्टिफिकेशन परीक्षा हुई आयोजित, 372 कैंडिडेट्स हुए शामिल। मध्य प्रदेश में कोरोना के प्रकोप ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पहले के मुकाबले अब रोजाना ज्यादा पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। बढ़ते कोरोना मामलों की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, वायरस अभी भी जिंदा है। हमने अगर सावधानी नहीं रखी तो ये वापस से बढ़ सकता है और हम कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मास्क पहनने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की अपील जनता से की है। के संक्रमण को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, हम तेजी से वैक्सीनेशन के काम को कर रहे हैं और ये वैक्सीनेशन सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो वो काम करते हुए मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि हम निश्चिंत ज्यादा हो गए। हम ये मान बैठे हैं कि अब कोविड है ही नहीं, कोविड खत्म हो गया, कोविड खत्म नहीं हुआ, वायरस अभी मौजूद है, इसलिए हमने सावधानी नहीं रखी तो फिर से हम चपेट में आ सकते हैं। और अभी हमने देखे महीने भर से लगातार केस बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते हुए केस हमारी चिंता का विषय है। मैं पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ और आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ जनता जनार्दन से कि सावधानी में सुरक्षा, ये मास्क मत हटाइए, मास्क ही गारंटी है कोविड के संक्रमण से बचने की। कुशीनगर के दुधही के जंगल लुआठा केपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जंगल लुआठा में बड़ी धूमधाम से विदाई समारोह मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। समारोह के मुख्य अतिथि संतोष तिवारी रहे। विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी मेहनत कीजिए, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। खातेगांव कन्नौद विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, अशोक पटेल कप्तान और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी का दीपगांव में लक्ष्मी नारायण बंडावाल वाला मित्र मंडल ने जोरदार स्वागत किया। खातेगांव के नामचीन गुंडों के साथ इंदौर के भूमाफियाओं ने मिलकर आदर्श गांव अजनास के पूर्व सरपंच के घर में घुसकर मारपीट की और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी छीन लिए। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद खातेगांव पुलिस ने मामले को दर्ज किया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण सभी आरोपी फरियादी पर आपसी सौदा करने के लिए दबाव बना रहे हैं और आपसी सौदा नहीं करने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। राजेश जी बिंदल, रामसुख जी बिश्नोई, सत्यनारायण जी बिश्नोई और महेंद्र ठेकेदार और भी लोग जो थे उनके में नाम। ये किस नियत से आए थे और क्या घटना घटी है? ये प्लान बना के आए, वे हमारे घर में भराए, इन्होंने हमारे परिवार के साथ मारपीट की और हमारे बच्चे के गले से एक सोने की चेन लूटी और हमारे बच्चे की एक। रतलाम में शनिवार देर रात इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विवाद में धारदार हथियार चलने लगे। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के चार युवक घायल हुए हैं, जिसमें से इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे गंभीर घायलों को इंदौर इलाज के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्यवाही कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल रात को सोहेल, गबरू, जीशान, साबिर, सादाब, आसिम वगैरह ने इन लोगों ने जाकिर और इसके साथी को चाकू मार के चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था, जिसके दौरान इलाज यहां मौत हो गई है और इसमें अपराध दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना चल रही है और इसमें अपराध में पीछे का कारण
किसी वीडियो को अपलोड किया था, उस वीडियो को लेकर इन दोनों बात लोगों में विवाद चल रहा था। एक पार्टी चाहती थी कि वो वीडियो डिलीट कर दिया जाए, बस उसी बात का विवाद हुआ है, इस कारण से ये मामला सामने आया। इसमें प्रकरण की विवेचना जारी है, आरोपियों की तलाश जारी। उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस में NCCB सर्टिफिकेट परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 372 कैंडिडेट्स शामिल हुए। बता दें, 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद NCC की बी सर्टिफिकेट एग्जाम प्रेसिडिंग ऑफिसर कर्नल HPC अलावत के मेंबर सर्टिफिकेट एग्जाम के मेंबर लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जाधव के निर्देशन में आयोजित की गई। NCC का एक बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो है 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ये लिया जाता है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लिया जाता है। तो कल हमारे प्रैक्टिकल हो गए थे और आज जो है थ्योरी का एग्ज़ाम है, जो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हो रहा है। थ्योरी के एग्ज़ाम में फ़ौज के जो बारे में जो भी हमको सिखाते हैं, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, जनरल नॉलेज, जो भी हमने 2 साल में सिखाया उसका एग्ज़ाम लेते हैं। इसके बाद जो बच्चे पास हो जाते हैं तो उनको बी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें ABC और 3 ग्रेड होते हैं। बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने के बाद जो है, बी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये लोग चाहें तो 1 साल और कंटिन्यू करके आगे करके सी सर्टिफिकेट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो और सी सर्टिफिकेट करते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, बी और सी दोनों के फ़ायदे हैं। और बी सर्टिफिकेट करके भी जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में कई नौकरियों में जो है बी सर्टिफिकेट का एडवांटेज एक दिया जाता है, कई जगह इसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी हैं। और ये होता है कि जो बच्चा बी सर्टिफिकेट लेके जाता है, जो एक आर्मी की ट्रेनिंग लेके जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसका एक अलग इम्प्रेशन और एक अलग जो है एक छाप पड़ती है। एक आम स्टूडेंट जाएगा कोई इंटरव्यू देने और एक NCC कैडेट जाएगा विद बी सर्टिफिकेट जो 2 साल ट्रेंड है, तो उसका सामने जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा अपने आप ही बढ़ जाते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।